हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो है सीरम के बारे में। और ये सीरम मैं 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा सीरम है बहुत ही अच्छा सीरम है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। आप इसको 30 एज से शुरू कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है ये सीरम और ये आपकी स्किन पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। आपको स्किन को पहले फेस को वॉश कर लेना है। अपनी स्किन एकदम क्लीन होनी चाहिए आपकी स्किन। और आपकी स्किन से अगर आपकी स्किन पर एजिंग झलकने लग गई है या एज आप नहीं चाहते कि एजिंग झलके, तो उसके लिए आप ये सीरम यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको आप 30+ हैं, 30 के हैं या 30 होने जा रहे हैं या अभी 28, 29 या फिर अभी आप मतलब 30 होने वाले ही हैं, तब भी आप ये सीरम यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है ये सीरम। और ये सीरम आपको जितने भी आपकी एजिंग इफ़ेक्ट, जैसे एजिंग झलकने लग गई है, अगर आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आने लग गई हैं, रिंकल्स आने लग गए हैं, तो उनको ये रिमूव करता है। मतलब आपकी एज को डिले करता है, एजिंग इफ़ेक्ट नहीं होने देता है। मतलब आपकी स्किन से एज का पता नहीं चलेगा कि आप कितने एज के हो गए हो। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देगा आपको और बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो बने रहिए मेरे साथ। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग भी मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन है तो उसको ही प्रेस करना है और ये बिल्कुल फ्री होता है। सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन भी सब्सक्राइब के बाद ही आएगा, तो आप उसको भी हिट कर दीजिएगा। और जैसे ही वो आप हिट करेंगे तो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर ये आपके लिए अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक। तो फ्रेंड्स, मैं ये NYV का सीरम बताने वाली हूँ आपको। ये बहुत ही अच्छा सीरम है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग है ये। मैं 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, बता चुकी हूँ आपको। लेकिन ये सीरम इतना अच्छा है, हाइरोनिक एसिड है इसमें, विटामिन सी है, दोनों चीज़ें आपकी स्किन की जगह। आपकी स्किन एजिंग होने लग गई है, आपकी स्किन पर दिखने लग गई है, एज झलकने लग गई, मतलब शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और सीरम्स तो मैंने आपको कितने, 2 या 3 4 बता चुकी हूँ मैं आपको, नहीं कुछ मैं होममेड ही बता चुकी हूँ आपको सीरम। अगर आपको ये सीरम से नहीं ले पा रहे हो, मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको खरीदने में, तो आप परचेस करने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो वाले सीरम से भी बना सकते हो। वो वाले बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, मैंने 2-3 सीरम मैंने बना रखे हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। रिचा रॉय नाम आप सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे सीरम डालेंगे तो। तो जैसे अगर ये आपको अच्छा लगे तो ये बहुत ही अच्छा सीरम है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए मैंने ये परचेस किया था। मैंने आपको संडे को ही जो हॉल था, पर्पल हॉल, उसमें आप लोगों के साथ शेयर किया था ये वाला, मैंने दिखाया था आपको। तो मैंने सोचा चलिए इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं इसको 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ और ये थोड़ा सा चिपचिप तो रहता है, लेकिन शायद यही इसका काम है कि ये थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि ऑयली ऑयली सा लगता है, ऑयली सा नहीं लगता है ये थोड़ा सा स्टिकीपन सा भी नहीं रहता है, जैसे कि वो शहद वगैरह हनी है या फिर आप जो चीनी होती है उसका, जो जैसे जब वो लग जाती है ना हाथों में तो कैसा चिपचिप होता है, उस तरह का ये टेक्सचर देता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा जेल लगा लेते हैं या फिर आप कोई भी नाइट क्रीम लगा लीजिए, या फिर आप डे में लगा रहे हैं तो डे क्रीम लगा लीजिए, तो और ये आप आराम से लगा सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप क्या करिए कि इसको पहले आप थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लीजिए, यहाँ यहाँ पर आप पैच टेस्ट कर लेंगे साइड में, तो बहुत ही अच्छा पता चल जाएगा आपको सही, या फिर आपको जैसे इचिंग वगैरह हो रही हो या जलन हो रही है, या फिर आपके इधर पे स्किन पे दाने निकल आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या इसके रिजल्ट हैं, चलिए देखते हैं।
तो फ्रेंड्स ये इस तरह का ये सीरम आता है, ऐसी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है ये, और इस पर लिखा है एनवाईवे स्किन डिफाइंड एजलेस एंड द लिबर्टी लेडी सीरम। और ये फेस सीरम है, आप इसमें क्या है हाइड्रोनिक एसिड है, विटामिन सी है, और ये हेल्प करता है इम्प्रूव जो आपकी इलास्टिसिटी है स्किन की वो, हाइड्रेट करता है ड्राई स्किन को, और जो अच्छा चमक ला देता है, ग्लो प्रोवाइड करता है ये सीरम। तो ये बहुत ही अच्छा सीरम है और मैं आपको इसको बता देती हूँ ये कितने का है। तो ये 175 का इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसमें भी आपको मेंशन किया था कि ये इतने का नहीं है, तो ये आपको कम का ही मिलेगा। तो आप इसको परचेस कर सकते हो, तो अभी भी सेल चल रही है, तो आप देख सकते हो कि ये आपको कितने का मिलेगा। तो इस तरह की ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, वाइट कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इस तरह की। तो ये आपको कितना मिलेगा, इसका नेट वेट 10 ml है और इसकी सेल्फ लाइफ है 2 years, 2 years 1920 और 21, तो ये 2 years के लिए है। और इस तरह का जो है सीरम ये 10 ml है, तो इस तरह की इसमें पंप है और आराम से इसको लगा सकते हैं। जैसे अगर आप इसको फेंक भी देते हो तो इस पर सब कुछ मेंशन है, आप इस पर भी देख के, वो इतना टाइम लगेगा भी नहीं, इतने दिनों तक नहीं चलता है ये सीरम आपका। अगर आप 2 times लगाते हो सुबह और शाम में, 2 या 3 drops लगेगा आपको, तो उस तरह से आपको यूज़ करना है, 2 से 3 drops, और आपको ये लगा लेना है, अप्लाई कर लेना है। तो और इसमें कुछ और भी है, तो इसमें एक और रहता है इतना छोटा सा, इसमें अंदर रहता है, और सॉरी इसमें ही अंदर इस तरह का, फिर इसके ऊपर से एक लिड और रहता है, तो ये इस तरह आता है, लेकिन फिर बाद में ये जो इसके साथ आता है तो मैंने इसको लगा दिया है और ये एक साइड कर दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, चलिए मैं दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर कैसा है। देखिए इस तरह का इसमें येलो येलो सा दिख रहा हो शायद, आई होप कैमरा पैक कैप्चर कर रहा है। तो इस तरह का ये सीरम है, ये देखिए, और इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो भी अच्छी है, माइल्ड सी है, थोड़ी देर लगाने के बाद पता नहीं चलेगी आपको, ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर है, और बहुत ही आराम से ऑब्जर्व हो जाता है। बस 2 से 3 minutes आपको ये इसको ऐसे मसाज कर लेनी है आराम से, और ये 2 से 3 drops आप लेंगे और मसाज कर लेंगे तो ये ठीक रहेगा आपको, और ये ऑब्जर्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको हैंड पर इसका देती हूँ स्वैप के कैसा है ये, डेमो करके दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह से आपको 2 से 3 drops लेनी है, इस तरह से 2 से 3 drops आप ले लेंगे ऐसे, इस तरह से ले लेना है, और आप इसको 5 minutes आप इसको ऐसे ऐसे मसाज कीजिए अपने फेस पर, और अच्छे से मसाज देखिए बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन आप जब फेस पे करेंगे तो 1 drop 1 drop and 1 drop ऐसे इस तरह से आपने लगाते हुए देखा होगा यूट्यूब पर कैसे लगाते हैं सब लोगों को, उसी तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। आप अपने हिसाब से अप्लाई कीजिए जैसा आपको सूटेबल हो, आप चाहे तो फिंगर्स पर डाल के ले सकते हो, और फिंगर से ही मसाज करनी है आपको हल्के हल्के इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो इसी तरह मसाज करनी है, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी यूज़ करिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ये खरीदना चाहे परचेस करना चाहे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको बाय कर सकते हो। और पर्पल पर चल रही है सेल, बहुत ज़्यादा सेल चलती रहती है वहाँ, तो सेल का फ़ायदा उठा लीजिए, और वहाँ पर 30%, 35%, 50% तक सेल चल रही है, आप अभी भी चेकआउट कर सकते हो, और आराम से आपको हर चीज़ बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट और इजीली आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही कम रेट में मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से परचेस कर लीजिए, मौके का फ़ायदा उठा लीजिए फटाफट से। चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए इसको, आप परचेस में लिंक दे दूंगी, परचेस लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये आपको कैसा लगा, किस तरह से आप इसका यूज़ करने वाले हो, अगर बहुत मैं फिर से बता रही हूँ आपको, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ आप पहले इसका पैच टेस्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर करेंगे, या फिर यहाँ पर कर लीजिए
इधर जो होता है यहाँ पर भी कर सकते हो आप टेस्ट, क्योंकि जैसे क्यों यहाँ पर सेंसिटिव पता चल जाती है, ये साइड करेंगे या हाथ पर करेंगे, तो इससे पता चल जाएगा आपकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं, आपको ये सूट कर रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से इसको मैं दे बता देती हूँ लिंक, तो आप ले लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है, इसका डेमो भी देख लिया है और मैंने इसके फ़ायदे ही बता दिए हैं आपको, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर आप इसको परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आप गुड वाइब्स के भी देख सकते हो, मैंने गुड वाइब्स का भी बताया था, रोज़ हिप सीरम वो भी बहुत अच्छा सीरम है, और मैंने बायोटेक का सीरम भी बताया था, और हाँ मैंने लोटस का नहीं बताया है आपको, मैं उसका भी अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बताइए, बता दीजिएगा कि आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं, सेपरेट वीडियो में उसका भी बना दूंगी अगर आप चाहें तो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा सीरम है, और लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है इसलिए, और वो क्रीमी बेस होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको ना लगा के, इस तरह के सीरम ना लगा के, ऑयली वाले सीरम नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोटस का या फिर बायोटिक का सीरम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो चिपचिप नहीं होते हैं। तो आपको लगाना कैसे है कि रात में लगा ले, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको नाइट में ही सीरम लगाने हैं, और फ्रेंड्स आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको 2 टाइम्स लगा सकते हो, लेकिन मैं प्रोवाइड उन लोगों को नहीं करूँगी जो ऑयली स्किन है, मैं उनको वो यही बोलूँगी कि अगर आप इस तरह के सीरम लगाना चाहते हैं तो आप इसको नाइट में लगा सकते हो, या फिर ऑयली वाले सीरम आप नाइट में भी लगा सकते हो, या फिर आप उस तरह के सीरम लगाइए जो क्रीमी बेस होते हैं, क्रीमी जेल बेस होते हैं ना, उस तरह के सीरम आप लगाएंगे ना तो आपकी स्किन पे कुछ भी मतलब ऑयलीनेस नहीं होगी, आपकी स्किन ऑयली ऑयली सी नहीं लगेगी, आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट भी रहेगी, और आपकी स्किन से जो ऑयल अंदर से जो प्रोवाइड बाहर आ जाता है जो ऑयल वो भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे, और अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल वगैरह है तो आप उस समय अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी कि आपको उस टाइम लगाना है, क्योंकि आप उस टाइम लगाएंगे तो आपको पिंपल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए उस टाइम पर मत लगाइए। बहुत सारे सीरम आ रहे हैं आजकल, आप पर्पल पर देखेंगे तो बहुत सारे सीरम हैं, सीरम भी हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी हैं। तो एसेंशियल ऑयल क्या है कि आप अगर ये ऑयल नहीं लगा सकते हो, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये ऑयल्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं आप, तो एसेंशियल ऑयल खरीद लीजिए, मतलब बाय कर लीजिए, और फिर आप उसको कोई भी क्रीम में डाल के लगा सकते हो, या फिर नाइट में आप इस तरह के ऑयल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई फेस पैक DIY फेस पैक बनाते हो, या फिर जो आप परचेस करके फेस पैक जो मार्केट में मिलते हैं वो परचेस कर लेते हैं, तो उसके उसमें भी आप थोड़े से 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप इसको डाल लीजिए एसेंशियल ऑयल जो होते हैं, और फिर कोई भी एसेंशियल, वैसे तो आपको टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा रहेगा जो पिंपल प्रोन स्किन है या फिर एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए, तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं इस तरह के ऑयल्स, और उनको ग्लो भी प्रोवाइड होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा उनका फेस, और ग्लो तो वैसे भी रहता है क्योंकि ऑयली स्किन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती जितनी जल्दी और स्किन ख़राब हो जाती है फ्रेंड। तो आपको इसी तरह के से काम लेना चाहिए अपने हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग मतलब कोई भी चीज़ को अच्छे से किस तरह से लगाना है ये आप खुद चूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, ये नहीं कोई जान सकता है। आप मुझे जब सजेस्ट करेंगे, मुझे मतलब कमेंट करके बताएंगे कि आपकी स्किन कौन सी है, ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, या फिर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तभी मैं बता सकती हूँ कि आपकी स्किन पर कौन सी चीज़ सूट करेगी। मैं कल भी मैंने यही बोला था, मैंने और वीडियोस में भी यही बोला है कि आप मुझे कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी स्किन पर क्या सूट होगा, मैं क्या बताऊँ उससे हिसाब से मैं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स आपको यही जानना है और समझना भी होगा, और जो भी मैं शीट मास्क का मैंने एक वीडियो किया था, हाँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट वाला शीट मास्क का रिव्यू मैंने किया था, तो उसमें एक जो लेडी है उनको सेंसिटिव मतलब पता नहीं किस तरह की स्किन है, उन्होंने लिखा भी नहीं मुझे, कमेंट करके भी नहीं बताया, बस उन्होंने बोला कि उनकी स्किन जल रही है, मतलब उनकी स्किन में जलन हो रही है जब उन्होंने लगाया। तो मैंने उनको कहा कि आपने किस तरह से लगाया है, मतलब आपने फेस वॉश करके लगाया है या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आपको पहले देख लेना चाहिए कोई भी चीज़ यूज़ करना है ना आपको, चाहे आप ऑयली है, उन लोगों को तो ज़्यादा ही अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी स्किन
पर कौन सी चीज़ सूट करेगी या नहीं उन लोगों को, यही जानने के लिए तो यहाँ पर पैच टेस्ट किया जाता है कि वहाँ पर आप देख लेंगे कि तो आपको पता चल जाएगा कि आप सेंसिटिव स्किन है, आपको ये सूट करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारी क्रीम ऐसी होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी की होती हैं, लेकिन अगर सेंसिटिव स्किन होती है तो उनको बहुत से चुन के क्रीम वगैरह खरीदनी पड़ती है, मतलब परचेज करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से खरीदनी चाहिए। उनको इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब क्या क्या उनमें पढ़ा हुआ है, और उनको हर्बल प्रोडक्ट ही ज़्यादा यूज़ करने चाहिए क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैं हर चीज़ में बता देती हूँ, हर चीज़ मतलब अपने अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या परचेज़ करना है कि क्या नहीं। एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, मैं हर चीज़ आपको क्लियर करके बताती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। मतलब मैं अपना ही समझती हूँ, आप लोगों को अपना फ्रेंड समझती हूँ, अपनी मतलब अपने तरीके से जो मैं अपने घर में किसी को रिलेशन बताऊँगी, अपने मतलब किसी को भी बोलूँगी, अपने फ्रेंड्स को बोलूँगी, तो भी मैं उनको अपना ही तरीके से सही जवाब मैं दूँगी। हर चीज़ को अच्छे से बताती हूँ कि आपकी स्किन मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ना आए आपकी स्किन पर। इसी तरह की मैं चीज़ों को सजेस्ट करती हूँ आपको, तो आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है मेरे वीडियोस में आना, मतलब वीडियोस आप लोग चेकआउट करते हो और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो और कौन से प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, मतलब क्रीम वाले देखना चाहते हो या फिर आप इसी तरह के सीरम्स। एक और मैंने सीरम परचेस किया था, मैं उसका भी रिव्यू करूँगी, बहुत जल्द आ जाएगा आपके मोबाइल पर, मतलब वीडियो में कर दूँगी तो पहुँच जाएगा आपके पास वीडियो, तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ आपको कि मैं हर चीज़ बहुत ही अच्छे से और बहुत ही समझ के आप लोगों को अच्छे से इजी वे में समझा देती हूँ कि इस तरह से आपको ये यूज़ करना है। तो आप बताइएगा मुझे किस तरह से, मतलब मेरी जो तरीका है वो सही है या गलत है, मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मुझे ये सब आप खुल के बताइए। आप कमेंट करके बता सकते हो ना, कितना अच्छी बात है कि आप मुझे उसी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं जो कि वीडियो आप देख रहे हो, और आप जो पुराने वीडियो भी आप देख रहे होंगे तो उसमें भी आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उसका भी सलूशन आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से अब आप और भी वीडियो जो है मेरे वो चेकआउट कर लीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए आए हैं मेरे वीडियोस देख रहे हो, नए आए हो, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि बार बार बोलना पड़ता है तो, लेकिन जो लोग नए आते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि ये फ्री होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, और हिट करेंगे तो मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। बाय फ्रेंड्स, आज इतना ही।